हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बहुत से बच्चे मेरे से पूछे हैं, मैम एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट बेटा अभी तक नहीं आया है। और आप लोग भी अपने आप सीसीएस की वेबसाइट पे एमए का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो सीसीएस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रिजल्ट के लिए बेटा सीसीएस की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे आप सीसीएस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सामने आपके खुल के आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिजल्ट, ओड एंड इवन सेमेस्टर रिजल्ट, ठीक है। तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे भी ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर रिजल्ट नोटिस, ठीक है। तो डिक्लेयर रिजल्ट नोटिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये सारे रिजल्ट जो जो अभी तक सीसीएस वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं वो आ जाएंगे। तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है वो 10 जुलाई का है बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। और उसके नीचे एमसीए है, बीटेक है, एमटेक है, एमडीएमएस का है, एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर का है। तो एमए प्राइवेट सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अभी तक आप लोगों का रिजल्ट फर्स्ट ईयर वालों का सीसीएस वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, बट फिर भी आप क्या करिएगा, बैक जाइएगा और देखिए यहाँ पे जो ये सेकेंड पॉइंट लिखा है ना, रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज रिजल्ट, इसमें आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने पेज ओपन हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो इसमें आप नीचे जाएंगे, नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोर्स, ईयर, सेमेस्टर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। तो इसके सामने आप अपने फर्स्ट ईयर का एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट है जो भी आपका ईयर है 2024, आपका जो भी रोल नंबर है या आपका एनरोलमेंट नंबर है, उन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप डाल करके यहाँ सबमिट का बटन दबा दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने अगर आपका रिजल्ट जो है वो सीसीएस वालों ने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है तो बेटा वो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो खुल करके सामने आ जाएगा, आपकी मार्कशीट जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सीसीएस की वेबसाइट पे जाकर के अपना रिजल्ट जो है वो खुद चेक कर सकते हैं। थैंक यू।